अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मुगलई चिकन हांडी। चिकन बोनलेस 1 केजी, छोटी छोटी बोटियां कर लेंगे। एक टेबल स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक, दोनों को डालकर हम मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डालेंगे। तीन मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके डाल देंगे। थोड़ा पकाएंगे जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाए। अब अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टेबल स्पून। प्याज और अदरक लहसुन को हम थोड़ा पकाएंगे। अब मैरिनेट की हुई चिकन हम इसमें डाल देंगे। चिकन को हम जब तक पकाएंगे इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। जब चिकन प्याज और अदरक लहसुन में भुन जाएगी और पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा, अब हम मसाले डालेंगे। लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टी स्पून, नमक 1 टी स्पून, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा हम भूनेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। अब टमाटर प्यूरी डाल देंगे। 3 अदद टमाटर को हमने पेस्ट बना लिया था। आधा कप पानी डाल देंगे और थोड़ा पकने देंगे। पंद्रह अदद काजू का पेस्ट बना के डाल दिया है हमने और मिक्स कर लेंगे। दही डाल देंगे 1 कप।
पिसा हुआ धनिया ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून डालकर मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्च वो हमने 1 हरी मिर्च के 2 पीसेस कर लिए थे। हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल देंगे। पाँच मिनट के लिए दम लगा देंगे। हमारी मुगलई चिकन हांडी तैयार है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।